नमस्ते बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, मैं हिंदी डिक्टेशन बोल रही हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और बराबर लिखते रहिए, बीच में ना रुकें। स्टार्ट। भाइयों, भूगोल, पर्वत और समुद्र ने भारत के स्वरूप का निर्माण किया है। कोई मानव संस्था इसके आकार को बदल नहीं सकती और ना ही उसके अंतिम लक्ष्य में बाधक बन सकती है। आर्थिक परिस्थितियों और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की लगातार मांगों के कारण भारत की एकता और भी आवश्यक हो गई है। भारत के जिस चित्र को हमने अपने दिल में संजोया है, वह सदा हमारे दिलों और दिमागों में रहेगा। कांग्रेस समिति गंभीरता से यह विश्वास करती है कि जब वर्तमान भावनाओं की उत्तेजना समाप्त हो जाएगी, तो भारत की समस्याओं को उचित परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा और भारत में दो राष्ट्रों के अस्तित्व के झूठे सिद्धांत को समाप्त कर दिया जाएगा और सभी इसका त्याग कर देंगे। सामान्यतः राष्ट्रीयता जातीय, भाषाई अथवा भौगोलिक तत्वों पर आधारित होती है, परंतु इस्लाम का अलग अस्तित्व है। जो अन्य धार्मिक वर्गों में मिश्रित नहीं होता, 55 वर्ष की स्वतंत्र निरपेक्ष राष्ट्रीयता के बाद आज भी कई जिम्मेदार मुस्लिम नेता दावा करते हैं कि मुसलमान अलग राष्ट्र है। एक जिम्मेदार दल द्वारा इतनी अधिक करुणाजनक और आत्मभ्रामक प्रस्ताव की कल्पना भी नहीं की जा सकती, जितना कि कांग्रेस समिति ने 15 जून 1947 को पास किया था। सभी नेता थक चुके थे और बूढ़े हो रहे थे। आदर्शवाद की जिस ज्वाला ने उन्हें 26 वर्ष पूर्व प्रेरित किया था, उसका जोश ठंडा होने लगा था। कांग्रेस का विकास सदा ही बदलते नेतृत्व के माध्यम से हुआ था, परंतु पिछले 25 वर्षों में वही नेता कांग्रेस की सत्ता संभालते हुए थे। उनके व्यक्तित्व और उनके त्याग ने उनको जो ख्याति प्रदान की थी, उनको जो बल प्रदान किया था, उसको कोई युवा नेता चुनौती देने का साहस नहीं कर सकता था। विभाजन के विरोध में केवल एक ही स्वर था और वह था गांधी जी का, परंतु वे भी बहुत बूढ़े हो गए थे और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। उन्होंने कांग्रेस समिति से प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए कहा। यदि वे नई कार्यकारिणी समिति और नई अंतरिम सरकार के लिए नए नेता नहीं चुन सकते, प्रस्ताव को पहले कार्य समिति ने पास किया। गांधी जी से विशेष रूप से प्रार्थना की गई थी कि वे उपस्थित हों और सभा को संबोधित भी करें, लेकिन कांग्रेस समिति की बैठक में उपस्थित था। गांधी जी का भाषण स्पष्ट रूप से उनके दुख का द्योतक था। उन्होंने कहा कि उनके विचार सर्वविदित हैं, फिर भी उन्होंने कांग्रेस समिति को प्रस्ताव पास करने की सलाह दी। उन्होंने कहा,
कांग्रेस समिति को इस रद्द और करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि किसी ने इसका उत्तर नहीं दिया। उस समय ब्रिटेन भारत से चले जाने के लिए और अपनी साम्राज्यवादी धाक छोड़ने के लिए बहुत उत्सुक था। अब यह बोझ उनके लिए बहुत भारी हो गया था। एशिया के राजनीतिक पुनरुत्थान की उठती हुई लहर को नियंत्रित करना था। महोदय, निसंदेह ही आज भी हम भले ही कई मुश्किलों का सामना कर रहे हों, फिर भी हम 1991 के उन दिनों जैसी स्थिति में नहीं हैं। एक राष्ट्र के रूप में हमने काफ़ी भरपाई कर ली है और हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। श्री राव के नेतृत्व के बिना यह संभव नहीं था। अब यह अटकल लगाना व्यर्थ और मूर्खतापूर्ण भी है कि कोई और नेता होता तो क्या कुछ ज़्यादा और बेहतर किया जा सकता था या नहीं। तथ्य यह है कि वही नेता थे जिनके कारण हम एक ऐसी स्थिति तक पहुंच गए जो देश और उसकी तरक्की के लिए निरापद है। हम जिस अवधि से गुजरे हैं वह बहुत मुश्किल और हलचलपूर्ण थी। सोवियत संघ के पतन और विघटन से हमारी जो कुछ भी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भी थी उसका आधार ही खत्म हो गया। ऐसा लगता है कि हमारे देश में कुछ लोग इस घटना का पूरा मतलब नहीं समझ पाए हैं। बेशक यह कम्युनिस्टों और आधुनिक समाजवाद के अन्य समर्थकों के लिए बेहद चिंता का विषय था। इससे उन सभी निष्पक्ष देशभक्तों को काफ़ी दुख हुआ जिनके लिए सोवियत संघ अच्छा मित्र था और अकेली विदेशी शक्ति थी जो हमेशा हमारे साथ खड़ी होती थी। उससे हमें काफ़ी नैतिक और भौतिक समर्थन भी मिला। हमारे देश में सोवियत संघ के तमाम मित्रों में भी सभी लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के हिसाब से इसका क्या मतलब था और है। जब हमें सख्त ज़रूरत थी तो कोई ऐसा नहीं था जिसकी ओर हम देखते। घबराने और अपने देश को दिवालिया राष्ट्र घोषित करने के बजाय प्रधानमंत्री ने मुश्किलों का डटकर मुकाबला किया, हमें इस संकट से निकालने की व्यवस्था की और साहस के साथ देश को एक नए आर्थिक रास्ते पर अग्रसर किया। आपको हमारी डिक्टेशन अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। दैट्स ऑल।